नमस्कार फोकस प्लस रो स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करूछि मु समीर। दिन परे मास आउ मास परे वर्ष एमिति गड़ी चली थाए सेथि मधिरु 2020 एमिति एक वर्ष थिला जहां विश्ववासी को पाई दुखदायक थिला। एही 2020 वर्ष रे भारतीय राजनीति केमिति थिला आसंतु देखिबा स्पेशल रिपोर्ट भारतीय राजनीति 2020। दुई हजार कोड़े वर्ष अनेक प्रमुख राजनीतिक घटनार साक्षी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सांसदों मध्य कांग्रेस भितर होता विद्रोह फायदा उठाई क्षमता को आसिले। बिहार निर्वाचन में विरोधी लहरी सत्वे बीजेपी जेडीयू सरकार गठन करी। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 2019 लोकसभा निर्वाचन पर कांग्रेस 2020 वर्ष निराशजनक प्रदर्शन जारी रखी एवं यहा आभ्यंतरण दल सह संघर्ष करिछि। एही वर्ष मध्य मिलित मंच तैयारी होइतला जहार नाम थिला उत्थानर। महाराष्ट्र में बीजेपी परे शिवसेना मिलित सरकार एक वर्ष क्षमता संपन्न करी राजनीति में निजर स्थिति जाहिर करिथिला। अकाली दल पुणी कृषि आईन को विरोध करी एनडीए छाड़िथिला। बिहार एनडीए रु निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करबाकु एलजेपी रो बैटिंग अनेक उपाय रे सफल होइतला। केन्द्र सरकार संशोधित सीएए आईन को नहीं जानुरी में दिल्ली समेत सारा देश में विरोध आंदोलन करते साइनबाग यही आंदोलन सबुठ बड़ केन्द्र भाव उभा होता। प्रसंगे राजनैतिक अस्थिरता मध्य फेब्रुआरी 2020 दिल्ली में विधानसभा निर्वाचन अनुषित होता किंतु दिल्ली में पोलराइजेसन चली ना एवं अरविंद केजरीवाल नेतृत्वाधीन आम आदमी पार्टी 70 सीट मध्य 62 सीट जीति चतुर्थ थर पर दिल्ली दखल करते। बीजेपी को 8 आसन मिलता बेले कांग्रेस खाता खोल सक्षम हो नथिला। मध्य प्रदेश रे सामान्य संख्या गरिष्ठता सहायतारे चालुतिबा कमलनाथ सरकार मार्च 20 रे खसी आसीथिले। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया नेतृत्व रे 25 कांग्रेस विधायक विद्रोह परे इस्तफा देथिले। विधायक कर्णाटक रो एक होटल ले प्राय एक मास रहिले। 23 मार्च 2020 रे शिवराज सिंह चौहान पुणी थरे सांसद होइथिले। कोविड-19 रो चैलेंज मध्य रे 25 जण विधायकों को खाली आसन रे उपनिर्वाचन होइथिले। आउ सेथि मध्यरु बीजेपी 19 सीट दाखल करथिला जाकि बीजेपी सरकार रो मनोबल को दृढ़ करथिला। सेहिपरि वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नाडा जे कि जेपी नाडा जनवरी 2020 रे अमित शाह को बीजेपी रो ऐतिहासिक कार्य परे दलर सभापति भावरे निर्वाचित होइथिले। 6 एप्रिल 2020 रे से बीजेपी रो प्रतिष्ठा दिवस रे कार्यभार ग्रहण करथिले। नाडांकर नेतृत्व रे बिहार निर्वाचन रे बीजेपी चमत्कार प्रदर्शन करथिला। गुजरात कर्णाटक मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश रो उपनिर्वाचन रे मध्य बीजेपी शासित सरकार सफल होइथिले। बंगाल रे 2021 विधानसभा निर्वाचन नाडा पाई एक बड़ चैलेंज है। ममता भी टीएमसी को नहीं बीजेपी को प्रतिरोध करने पाई प्रस्तुति आरंभ करी। राजस्थान रो अशोक गहलोत सरकार मध्य उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नेतृत्व रे जुलाई 2020 रे विद्रोह रो सम्मुखीन होइथिला। सचिन पायलट को समेत 19 जण विधायक हरियाणा रे छावणी होइथिले। गेहोल्ट एवं पायलट क्याप मध्यरे राजनैतिक संघर्ष एक मास पर्यंत चालीथिला। पूर्वतन कांग्रेस सभापति राहुल गांधी को हस्तक्षेप परे अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट को मध्यरे सामयिक समाधान हेला। शिवसेना परे बीजेपी रो सर्वपुरातन सहयोगी अकाली दल बीजेपी हाथ छाड़ीथिला। 26 सेप्टेम्बर 2020 रे अकाली दल संसद रे कृषि बिल पारित होबा प्रसंग रे एनडीए सहित 22 वर्ष पुराना मेंटो भांगीथिला। अकाली दल नेता हसमुत कौर केन्द्रमंत्री पदर इस्तफा देते। वर्तमान आरपीआई समेत किसी छोट दल एनडीए रही बिहार एनडीए सहित एलजेपी रास्ता अलग करथिला। तेरे रामविलास पासवान मृत्यु पर केन्द्र सरकार एलजेपी कौन सी प्रतिनिधित्व नथिला। पासवान राज्यसभा खाली आसन में सुशील मोदी निर्वाचित होते।
2019 लोकसभा निर्वाचन बिवाद परे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नेतृत्व को नहीं एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होता। अक्टोबर 2020 प्रथम सुधा बिहार विधानसभा निर्वाचन में नीतीश कुमार नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू मिलित मंच पूर्वानुमान यज्ञ मन हुए, किंतु तेजस्वी तीक्ष्ण निर्वाचन प्रचार पिता लालू प्रसाद यादव परी जनसाधारण जोड़ प्रयास परिवेश को बदल 75 सीट पाई बिहार सबुठ बड़ दल भाव में आरजेडी उभा होता। बिहार विधानसभा निर्वाचन में 243 सीट मध्य एनडीए संख्या गरिष्ठता थारु मात्र 2 अधिक अर्थात 125 सीट पाई। आरजेडी नेतृत्वाधीन ग्रांड आलायंस 110 सीट मध्य पाई। निर्वाचन में निरंतर निराशजनक प्रदर्शन मध्य कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व मध्य असंतोषर सम्मुखीन होते। अगस्त 2020 गुलाम नबी आजाद समेत 23 कांग्रेस नेता चिठी आसला। यही नेता मध्य आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, भूपेन्द्र सिंह हुदा इत्यादि अंतर्भुक्त थे। चिठीर संगठन निर्वाचन समेत समस्त दाबी कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी सम्मुख में उठी। कांग्रेस वर्किंग कमिटी CWD बैठक में एक तीव्र मौखिक युद्धर साक्षी हो बिहार फलाफल एवं उपनिर्वाचन पर असंतुष्ट नेता माने पुणि थरे निजर मनोभाव प्रकाश करथिले। 14 जून 2020 रे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को देहांत परे महाराष्ट्र राजनीति बिहार को प्रभावित करथिला। अभिनेत्री कंगना रानावत सीधासलख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ऊपर आक्रमण करथिले। बीएमसी द्वारा कंगना को बंगला भांगी दिया जायथिला जहां ऊपर माननीय हाईकोर्ट टिप्पणी रखिथिले, किंतु कंगना को तीक्ष्ण मनोभाव रहिला आगामी मिलित मंच विरोध रे बीजेपी एवं अन्यान्य केतेक दल कंगना कोर्टे ठिया होइतिबा देखिबा को मिलिथिला। केन्द्ररु कंगना को वाई श्रेणीर सुरक्षा आनिबा प्रसंग रे मध्य अनेक विवाद लागि रहिथिला। शेषरे बिहार को एनडीए अख्तियार करथिला। सहीपरि ओडिसा राजनीति रे 2-2 उपनिर्वाचन 2020 रे राजनीति को सरगरम करथिला। ओडिशा राजनीतिर चर्चित चेहरा दिवंगत विष्णु दासंक वियोगरे तीर्तल विधानसभा उपनिर्वाचन घोषणा होइथिला। सेहिबळी बालेश्वर सदर निर्वाचन मंडली को 2019 रे दिवंगत मदन मोहन दत्त बीजेपी प्रार्थी हो विजयर बाना उड़ाइथिले। तांकर आकस्मिक मृत्यु परे बालेश्वर सदर रे मध्य उपनिर्वाचन होइथिला। आउ तीनोटी प्रमुख दल कड़ा मुकाबला करथिला। आ बालेश्वर सदर निर्वाचन मंडलीर सबुठ चर्चित चेहरा थिले स्वाधीन विधायक प्रार्थी बेणुधर बारिक। बेणुधर बारिक परिणत बयसरे राजनीति मैदान को ओल्हाइबा सारा ओडिशारे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिथिला 2020 वर्ष पई। आउ 2-2 निर्वाचन मंडली को विजु जनता दल अख्तियार करथिला। आउ सेपटे माड़ीचाल डायलग रे कांग्रेस वरिष्ठ नेता सुर राउतराय युव कांग्रेस को आगकु नेबा पाई कांग्रेस को बलिष्ठ करबा पाई 2020 रे 2-2 गीत गाई चर्चा रे थिले। एही वर्ष मध्ये राजनीतिर अन्यतम चर्चित चेहरा प्रदीप महारथी समेत पश्चिम ओडिशा विकास परिषदर अध्यक्ष सुभाष चौहान देहांत होइतिला। भुवनेश्वर सरोज रंजन को रिपोर्ट फोकस प्लस। ए थिला 2020 रे भारतीय राजनीति। एमती अनेक किसी भारतीय राजनीति में छोट बड़ घटना घटी जाइए। आज स्पेशल रिपोर्ट केमी लगला निश्चित मतामत जन आम ठिकना प्लॉट नंबर 226 यूनिट 3 खारवल नगर भुवनेश्वर। ईमेल plusfocus7@gmail.com। रहुची नमस्कार।